हमने पिछली कक्षा में किस तरह से भूमंडलीकरण हुआ, उसके बाद फिर किस तरह से युद्ध, विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद फिर उपनिवेशवाद, ये सारी चीजें हमने देखी थी। अब आगे देखेंगे कि युद्ध के पश्चात क्या हुआ। तो यहाँ पर हम देखेंगे विश्व अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण एवं युद्धोत्तर काल, मतलब विश्व की अर्थव्यवस्था का जब पुनर्निर्माण हुआ तो युद्ध के काल के बाद क्या हुआ। पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद केवल 2 दशक बाद ही दूसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो गया था। कब हुआ था? केवल 2 दशक के बाद ही दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। उसके बाद यह युद्ध भी 2 बड़े खेमों में बीच था। जिस तरह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसी तरह से यह भी द्वितीय विश्व युद्ध भी 2 खेमों में बचा था। मुख्य रूप से जर्मनी, जापान, इटली जो थे एक खेमे में थे, दूसरा खेमा मित्र था जिसमें ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका थे। ये आप लोग ये देखेंगे कि ये 2 खेमों में बटा हुआ था। इसी तरह से इस युद्ध में मौत, तबाही, सारी चीजें बहुत ही हुई थी। इस तरह से हम देखेंगे कि इसमें जो असंख्य मोर्चों पर जो इस युद्ध में मौतें हुई थी, आपका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से करीब 6 करोड़ लोग जो मारे गए थे, उसमें 1939 की जो वैश्विक जनसंख्या के लगभग 3% था। कितना प्रतिशत था जो वैश्विक जनसंख्या के समय उस समय जो था वह 3% करीब था। इस तरह से बहुत से करोड़ों लोग घायल भी हुए थे, बहुत से लोग मारे भी गए थे, मरने वालों की संख्या भी ज्यादा थी। अब तक युद्धों के बीच में जो मरने वालों की संख्या भी बहुत ही ज्यादा थी। इसमें लगातार वह इसलिए हुआ था क्योंकि इस शहर में जो कई हवाई बमबारी भी हुई थी, लगातार गोलाबारी के कारण भी मिट्टी में मिल गए थे और उसके युद्ध में भी सब आर्थिक और सामाजिक तबाही को जन्म दिया था। इसमें युद्धोत्तर के काल में जो पुनर्निर्माण का काम जो 2 बड़े प्रभावों के माथे आगे बढ़ा वह इसलिए था कि अमेरिका आर्थिक और राजनीतिक सैनिक दृष्टि से एक वर्चस्वशाली ताकत था। उस समय जो था वर्चस्व रूप में इसके, क्योंकि इनके पास भी सारी सुविधाएं थी, सारी आर्थिक विकास के रूप में भी ये बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए वर्चस्व रूप में कौन था? अमेरिका जो था पश्चिमी विश्व में जो उसमें अमेरिका जो आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सैनिक दृष्टि से वर्चस्वशाली था। फिर युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रिटेन युद्ध के संस्थान, इसमें जो था युद्ध के बाद जो बंदोबस्त व्यवस्था जो की गई थी उसके लिए ब्रिटेन बोर्ड्स की एक संस्था बनाई गई थी, जिसमें अहम सबक जो था तक निकालने के लिए पहले सुबह और उस समय जो था वह उत्पादन किस तरह से करना है, किस तरह से बहुत बड़ा उत्पादन बढ़ाना है आधारित किसी औद्योगिक समाज में करना है, फिर उसके बाद फिर आमदनी काफ़ी ज़्यादा और स्थिर हो, उसके बाद रोजगार अस्थिर करें रहेंगे या कैसे रहेंगे, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना था क्योंकि युद्ध के बाद जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई थी उसको संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। फिर उसके बाद जब हम आगे देखेंगे इसमें कई चीज़ें ऐसी थी, आर्थिक स्थिरता केवल सरकारी हस्तक्षेप के जरिए ही हो सकता था जिससे कि इसमें विकास अच्छा हो सके। फिर दूसरा यह था सब कुछ बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंधों के बारे में भी था। पूर्व रोजगार सरल लक्ष्य केवल अर्ध था, इसके साथ साथ हम जो थे उसमें देशों के विशेष व्यापार के लाभ घाटे निपटने के लिए महत्वपूर्ण था। युद्ध के पुनर्निर्माण के लिए भी पैसे की आवश्यकता थी क्योंकि जब हम युद्ध के बाद जब पुनर्निर्माण करेंगे और उसके लिए पैसे का इंतजाम करना भी बहुत ही आवश्यक था क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसमें जिस संगठन का गठन किया गया था जिसमें कि विश्व बैंक की भी व्यवस्था की गई थी जिससे कि देश का चाहू और विकास किया जा सके। इसी प्रकार से जब हम देखेंगे विश्व बैंक और IMF जो था वह 1947 में जिसकी व्यवस्था की गई थी उससे भी हमें आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक देशों के नियंत्रण के लिए यह बहुत ही आवश्यक था। फिर अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक व्यवस्थाओं के लिए भी एक दूसरों से जोड़ने के लिए भी ये जो राष्ट्रीय व्यवस्था और मुद्राओं की मौद्रिक व्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने की भी आवश्यकता थी जिससे कि हम देश का विकास आसानी से कर सकें, एक निश्चित विनिमय कर सकें, दूसरों के साथ सीधा संबंध हो सके जिसमें कि एक डॉलर के बदले हमें कितने रुपए देने होंगे, मतलब डॉलर की कीमत, रुपए की कीमत, ये सारी चीज़ें भी निश्चित की गई थी।
जिसमें एक डॉलर की कीमत जो कितनी थी उस समय, उपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता जब हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर दूसरा विश्व युद्ध जो था उसके होने के बाद भी दुनिया का एक बहुत बड़ा जो भाग था वह यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन था, जो दो दशकों में एशिया और अफ्रीका में ज़्यादातर उपनिवेश जो है स्वतंत्र और स्वाधीन राष्ट्र बन गए थे। बहुत से राष्ट्र ऐसे थे जो अपने आप को स्वतंत्र कर चुके थे और बहुत से राष्ट्र थे जो अभी दूसरे बड़े बड़े राष्ट्रों के उपनिवेश भी बने हुए थे, जिसमें से अपना एक भारत भी था। फिर IMF के और विश्व बैंक के का गठन होने के बाद औद्योगिक देशों में ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही किया गया था, ताकि इन जो है उसका विकास आसानी से किया जा सके। इनके माध्यम से जो विकास होगा, जो भी ब्याज आएगा, जो पैसा दिया जाएगा, उसका उनको रिटर्न करना पड़ेगा। इससे जो समस्या और विकास जो थी उसको कमी से निपटने में दक्ष रही, क्योंकि इसकी वजह से क्या हुआ था, अर्थव्यवस्था का भी पुनर्गठन हुआ और साथ ही जो समस्या थी उससे भी निपटने में हमें सहायता मिली। किसके कारण? विश्व बैंक के कारण और जो IMF जो बना हुआ था संगठन उसके माध्यम से। फिर दुनिया के अल्प विकसित भाग भी बहुत से देश ऐसे थे, कुछ विकसित देश थे जैसे अमेरिका था, अल्प विकसित देश थे जो कि विकास कर रहे थे, कुछ विकासशील देश थे जो कि विकास की ओर अग्रसर थे। तो दुनिया में अल्प विकसित जो भाग थे वो उपनिवेश के रूप में पश्चिमी जो थे उनके अधीन थे, जो पश्चिमी साम्राज्य थे उनके अधीन थे, जिसमें कि बहुत से राज्य थे, बहुत से देश थे जो कि उनके द्वारा उनके अनुसार ही काम करना पड़ता। इस तरह से वो पिछड़े पन की और गर्त से वह बाहर निकलने के लिए भी उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की मदद लेनी पड़ी थी, क्योंकि यदि वह बेरोजगारी है तो या पिछड़ेपन से हमें दूर होना है तो उसके लिए भी हमें विश्व बैंक या IMF की मदद लेनी ही पड़ेगी। औपनिवेशीकरण में बहुत साल के बीत जाने के बाद भी बहुत सारे ऐसे देश थे या नव स्वाधीन राष्ट्र थे जिनको की अर्थव्यवस्थाओं पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही नियंत्रण बना हुआ था, क्योंकि वो स्वतंत्र तो हो गए थे लेकिन उसके बाद भी उनका ही नियंत्रण वहाँ पर उस स्वतंत्र राष्ट्रों में भी उनका ही नियंत्रण बना हुआ था, उनके नियम ही चल रहे थे, उनके कानून चल रहे थे। जिससे कि जब देश ब्रिटेन और फ्रांस एक उपनिवेश रह चुके थे और उसके बाद भी जहाँ कभी कभी उनका राजनीतिक प्रभुत्व पर प्रभुत्व की राह पर भी वह चल चुका था, उसके बाद भी वह संसाधनों जैसे खनिज संपदा है और जमीन है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें थी, फ्रांसीसी कंपनियों का भी यहाँ पर नियंत्रण था, और इस तरह से वह किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थी कि नियंत्रण को छोड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर खनिज संसाधन बहुत प्राप्त थे, पर्याप्त मात्रा में थे, कच्चा माल बहुत था और वह किसी तरह से छोड़ना नहीं चाहते थे। दूसरे और ज़्यादातर विकासशील देशों को 50 और 60 के दशक, मतलब जो दूसरे विकासशील जो देश थे 50 और 60 के दशक में भी वे पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तर्ज पर प्रगति कर रहे थे और लाभ नहीं हुआ था, क्योंकि उनका ही नियंत्रण होने की वजह से वे विकास तो कर रहे थे, उत्पादन भी हो रहा था, लेकिन उनको उससे किसी भी तरह का लाभ नहीं हो रहा था। इस तरह से हम देखेंगे कि जो आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली बनाई गई थी और साथ ही साथ उसमें बहुत से समूह बनाए गए थे आयात निर्यात, और इसका आशय एक ऐसी व्यवस्था से था जिसमें कि संसाधनों को सही ढंग से और जो साधन है उसको कच्चे माल को सही दाम मिले और साथ ही साथ तैयार माल और विकसित देशों की कतारों पर भी आ सके, मतलब जो भी माल हमको हमारे पास था, जैसे कच्चा माल यदि जा रहा था उसका भी उचित मूल्य हमें मिलना चाहिए, उत्पादित माल जा रहा है तो उसका भी उचित मूल्य मिलना चाहिए, यदि इस तरह से उसके लिए विशेष व्यवस्था की गई थी, लेकिन यह चीज़ हमें प्राप्त नहीं हो रही थी। फिर वेटनबर्ग समापन में वैश्वीकरण की शुरुआत, उसके बाद जो वैश्वीकरण वह क्यों हुआ, क्योंकि जो उत्पादन हो रहा था, जो कच्चा माल हो रहा था, उसमें जैसा हमें लाभ मिलना चाहिए वैसा लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन कुछ दशक के पश्चात ही विदेशी या अपनी गतिविधियों के भारी सामान ना अमेरिका के निर्यात और ना ही दूसरे प्रभावशाली क्षमता वाले कामगार का को दिया गया था। इस तरह से अमेरिका डॉलर अब दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में सबसे पहले जितना सम्मानित और निर्वाचित नहीं रह गया था, क्योंकि उनकी तुलना में डॉलर की कीमत जो थी वह गिरने लगी थी। इस तरह से विनिमय दर की व्यवस्था विफल हो गई थी,
क्योंकि विनिमय दर इसलिए लगाया गया था ताकि हम वस्तु का आयात निर्यात। जैसे 70 के दशक के मध्य भी अंतरराष्ट्रीय वित्त व्यवस्था में भारी बदलाव आया, जिसमें कि व्यावसायिक बैंकों, निजी ऋण के संस्थाओं के की तरह से कई तरह से इसमें हुए। जैसे व्यावसायिक बैंक, निजी ऋणदाता संस्थान भी बनाए गए थे, जिससे कि हम उसके अनुसार उसका विकास हम आसानी से कर सकें। विकासशाली विश्व के समय में कर्जे में संकट, विकासशील विश्व के समय में भी ये समय समय पर कई संकट ऐसे पैदा हुए थे जिसमें कि जिसके कारण आय में भी गिरावट आई थी और गरीबी भी उस समय बढ़ने लगी थी। इस तरह से यह समस्या जो थी वह बहुत ही ज़्यादा दिखाई देने लगी थी, तो जिसको भी दूर करना आवश्यक हो गया था। और औद्योगिक विश्व की बेरोजगारी की समस्या में भी फंसने लगा था, क्योंकि युद्ध के बाद ये बेरोजगारी, औद्योगिक विश्व, ये सारी समस्याएं जो थी एक आम बात हो गई थी, क्योंकि सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो थी वह कम आय पर अधिक से अधिक कर्मचारियों को लगाना चाहती थी, उनका शोषण भी कर रही थी, लेकिन विकास उतना नहीं हो पा रहा था, लाभ उतना उनको दिख नहीं रहा था। फिर चीन जो थे 1949 की क्रांति के बाद जब विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग हो गया था, कौन अलग थलग हो गया था, चीन जो था, तो उसके बाद यह स्थिति आई थी। और फिर उसके बाद फिर जब हम देखेंगे इसमें प्रतिस्पर्धा जो थी वह भी होने लगी थी, और साथ ही साथ यहाँ की आर्थिक नीतियाँ जो थी वह सोवियत संघ के खेमे में बिखराव भी लाया। इस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि हम जो एक दूसरे के ज़्यादातर टेलीविजन, मोबाइल फ़ोन और खिलौने जो चीन के बने होते थे वहाँ जैसे ही मतलब वहाँ के जैसे ही लगते थे, लेकिन चीनी अर्थव्यवस्था की अल्प लागत पर अर्थव्यवस्था में यह चीज़ बनाई। तो आप लोग देखे होंगे चीनी उत्पादक जो होते हैं वह कैसे होते हैं, सस्ते होते हैं और सुंदर दिखते हैं, लेकिन वह दोबारा हम किसी तरह से उसका उपयोग या रिड्यूस नहीं कर सकते। इसलिए कम वेतन वाले देशों में भी इस दशा में ले जाने की वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रवाही देशों में असर पड़ा था, क्योंकि यहाँ की चीज़ें जो थी ज़्यादातर वह टेलीविजन, मोबाइल फोन और इस तरह से खिलौने, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आसानी से प्राप्त हो जाती थी। तो इस तरह से हम देखेंगे कि विश्व युद्ध के बाद हमारे देश में जो थी वह किस तरह से वैश्विक स्थिति उत्पन्न हुई और किस तरह से हमने वैश्विक व्यापार व अर्थव्यवस्था को उस पर लाने के लिए इस तरह से पूरी तरह से उस समय वैश्विक व्यापार जो था, भूगोल जो था, वह पूरी तरह से बदल चुका था।